बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेत खलिहान हमारे सफल किसान। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पलामू जिला के किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने की है योजना। राज्य के पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। पिछात फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद माघी। अब समाचार विस्तार से। पलामू जिला के किसान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत अनुदान पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। इसमें 40-50% अनुदान पर पावर नेपसेक स्प्रेयर, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट, पाइप, मोबाइल, रेनगन, थ्रेसिंग फ्लोर, मिनी दाल मिल, ट्रैक्टर चालित हल और रिज फ्रो प्लांटर ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए पलामू जिला आत्मा कार्यालय में 30 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। राज्य में पशुपालन के जरिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण बकरी पालन, सुकर पालन, घर में देसी मुर्गी पालन, फार्म, फार्म में ब्रॉयलर मुर्गी पालन और बत्तख पालन के लिए सरकार से अनुदान ले सकते हैं। इसमें SC ST दिव्यांग, विधवा और निसंतान दंपत्ति को 90% और अन्य सभी सामान्य वर्ग के लाभुकों को 75% अनुदान देने का प्रावधान है। किसान भाइयों, मिर्च फसल में थ्रिप्स और माइट कीट लगने का खतरा रहता है। ये दोनों कीट पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के लिए कन्फिडोर दवा और माइट के लिए ओमाइट नामक दवा का छिड़काव करें। किसान भाइयों, मिर्च में पहले आपको लक्षण देखना है कि कीट जो है, दो तरह का कीट जो है इसमें ज़्यादा आता है। एक थ्रिप्स है जो पत्ती ऊपर की ओर मुड़ता है और एक माइट्स है जो पत्ती नीचे की ओर मुड़ता है। अगर थ्रिप्स आया है, पत्ती ऊपर की ओर मुड़ रहा है, तो आप कन्फिडोर नामक दवा 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके या लेंसर गोल्ड नामक दवा 1 g प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। अगर माइट है, पत्ती नीचे की ओर मुड़ा हुआ है, तो आप जो है वो माइट या ओबिरोन नामक दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। साथ साथ जो है अपने खेत में क्रॉप गार्ड जो है पीला नीला रंग का प्लास्टिक का भी प्रयोग करें। किसान भाइयों, फूलगोभी की पिछात खेती के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक फसल लगा सकते हैं। झारखंड में पिछात फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद माघी, स्नोबॉल 16, डानिया, पुषा स्नोबॉल या के पुषा स्नोबॉल लगाएं। फूलगोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पिछात फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुसंचित उन्नत प्रभेद माघी, स्नोबॉल 16, डानिया, पुषा स्नोबॉल या के पुषा स्नोबॉल की उत्पादन क्षमता औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। डच हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खेतों में नाली बनाने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस मौसम में विभिन्न फसलों की खेती के लिए डच हो का उपयोग कर सकते हैं। डच हो की कार्यक्षमता 12 से 15 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं भिंडी फसल में बंधक और फलछेदक कीटों के रोकथाम के लिए क्या जैविक विधि अपनाएं। किसान भाइयों, भिंडी फसल लगाने के 30 से 35 दिन बाद अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा केलोनिस 1 से 1.5 लाख की संख्या में प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। एक एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार यह उपचार करें।
इससे भिंडी फसल में बंधक कीट और फलछेदक कीट का प्रकोप नहीं होगा। ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र गुड्डा के तत्वाधान में भाकरी अनूप अटारी जोन 4 के निर्देशानुसार पुड़ैया हाट प्रखंड के गुनघाशा ग्राम में मोटे अनाज के व्यंजन प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं द्वारा मड़ुआ के आटे से तैयार होने वाले विभिन्न व्यंजन जैसे कि रोटी, लड्डू, समोसा, पीठा, चिल्का, इडली, अरसा आदि तैयार किया गया। मोटे अनाज के व्यंजन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रतिमा किसको को दिया गया। मोटे अनाज जैसे पड़ा का हमने इडली डोसा बना के लाए, उसमें दो पराठे बना के लाए थे, तो उसमें फर्स्ट प्राइज मिला है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत अपनी जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी।
और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। रिमझिम बारिश की फुहारें हैं और हमारे सभी किसान भाई बहन अपने अपने खेती में लगे हुए हैं। तो आज की जानकारी है खेती से संवरती जिंदगी के बारे में। आइए देखते हैं वृत्तचित्र और उठाते हैं लाभ। आज हम एक ऐसे सफल किसान के पास आए हुए हैं जो कि शुरुआती दौर में बहुत ही कठिन परिश्रम किया और आज एक ऐसे मुकाम में आए हैं कि तकरीबन 40 एकड़ में इन्होंने खेती किया है। 40 एकड़ का सफ़र कैसे शुरू हुई और इसके पीछे कितना संघर्ष इन्होंने किया, इस बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही उनका परिचय लेंगे और इस कार्य में उनका कौन कौन सहयोग करते हैं और अब और तब की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। ये पंक्तियां बिहारी महतो के लिए अक्षरशः सत्य है। बिहारी महतो पेशे से किसान हैं। अपने पैतृक गांव पिस्का नगरी में अपने पुस्तैनी पेशा खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। शुरुआती दौर में मात्र 2 एकड़ के रकबे पर वे खेती करते थे। फिर इन्होंने अपनी सोच को नई उड़ान दी, अपने पुस्तैनी गांव से बाहर जाकर खेतीबाड़ी करने का विचार किया, लोगों से संपर्क किया और आज की तारीख में बिहारी महतो तकरीबन 40 एकड़ के रकबे में खेतीबाड़ी कर रहे हैं। खेती में तो सारा चीज क्या करते हैं, बैंगन, टमाटर, शिमला मिर्च और तीता मिर्चा, मूली, आलू, अदरक, सारा सब्जी का खेती करते हैं, हरा सब्जी का। जैसा जैसा फसल आते जाता है, समय आते जाता है, उसी के हिसाब से लगाते जाते हैं। विगत कई दशकों में खेती बाड़ी के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। बदलते तकनीकों और यंत्रों ने खेती बाड़ी के काम को आसान भी बनाया है और इससे उत्पादन भी बढ़ा है। बिहारी महतो बदलते समय के साथ बदलती तकनीकियों को अपनाते हैं और कम लागत लगाकर ज्यादा उत्पादन करते हैं। बदलाव तो बहुत सारा आया है, कहे कि पहले तो ट्रैक्टर नहीं था, हल से होता था, मशीन नहीं था, सिंचाई वाला मशीन नहीं था, लाठ उठ से खेतीबाड़ी होता था, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत कम खेती उती लगता था। लेकिन अब हुआ कि मशीन सब हो गया है, मशीन के जरिए, ट्रैक्टर के जरिए खेत भी जोता जाता है, मशीन के जरिए खेत सिंचाई भी हो जाता है, कह के इधर तो खेतीबाड़ी काफ़ी बढ़ गया है और हो रहा है और अच्छा ढंग से भी हो रहा है। यह सच है कि शहरीकरण के इस दौर में एकल परिवारों की संख्या बढ़ी है, लेकिन बिहारी महतो जैसे किसान संयुक्त परिवार को सफलता की कुंजी मानते हैं। गांव में 2 एकड़ के रकबे से 40 एकड़ जमीन की खेती में परिवार का काफी योगदान रहा। उनके इस सफर की कहानी लंबी है। वे अपनी खेती बाड़ी को विस्तृत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिले, उनकी जमीन में खेती की। वर्तमान में वे तोरपा के पास कसमार में खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। पहले गांव में करते थे, 2 एकड़ 5 एकड़ होता था तो गांव में करते थे। बहुत करीबन 5-7 साल रांची के मड़वारी सब लिए हैं जमीन, रातू राजा से 84 एकड़ जमीन लिए हैं, तो उसमें 15 एकड़ जमीन था खेती के लिए, तो उस समय वो लोग जमीन लिए और वो लोग को बुझाया कि नहीं, पहले इस ज़मीन में हम लोग खेती करेंगे। तब फिर वो लोग पूछे कि कौन इधर का नगरी का किसान बहुत मेहनती आदमी है, उन्हीं से करवाएंगे ज़मीन में खेती उती या वो करेंगे,
कह के तो कोई बताए कि बिहारी महतो के पास जाइए, वो आपका ज़मीन में सारा ज़मीन में खेती कर देंगे। 15 एकड़ अभी जो खेती के लायक है सारा ज़मीन में 15 एकड़ में ही कर देंगे। तो फिर वो आए, फिर बोले कि ठीक है हम लोग का ज़मीन के चलिए देखिए और खेती उती कीजिएगा। फिर देखिए ज़मीन अच्छा लगा तो उनका ज़मीन में भी 5-7 साल तक हम लोग खेती किए। बिहारी महतो अपनी खेती में कई नायाब तरीके अपनाते हैं और समय की मांग के अनुसार खेती करते हैं। बिहारी महतो बरसात के मौसम में आलू की खेती करते हैं। इसका कारण है कि इस समय सिंचाई के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है और उत्पादन लागत भी कम पड़ता है। इसके अलावे इस समय बाजार मूल्य भी अधिक मिलता है। कि ये बरसात में हम खास करके हम अपना बारे में बता रहे हैं कि बरसात में हम आलू का खेती करते हैं और बरसात में खेती करते हैं तो एक फ़ायदा हमको पटवन से हो जाता है, सिंचाई हमको बहुत कम करना पड़ता है। जब भगवान अगर बढ़िया से पानी पड़ते रहते हैं तो कोई साल नहीं भी पटाना पड़ता है, तो इसलिए हम बरसात का खेती चुने, आलू का खेती चुने। बिहारी महतो को खेती किसानी पारिवारिक परंपरा से मिली है। इन्होंने कभी भी किसी संस्थान अथवा केंद्र से खेती किसानी का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है, लेकिन वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़े होने के कारण इनके पास अनुभव का भंडार है। कई बार इन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। परीक्षण तो नहीं किए हैं, तजुर्बा के हिसाब से करते आ रहे हैं। शुरू साल 1 एकड़ लगाएं तो अच्छा हुआ, 2 एकड़ लगाएं तो ठीक हुआ, ऐसा करते करते एक साल ऐसा हुआ था कि भरनों के सामने पलमा डीपा है, नाम है पलमा डीपा, 107 पैकेट आलू लगाए थे और वर्षा नहीं होने के कारण से उसमें एकदम मुंह में आलू का एक दाना नहीं आया था, हाँ सारा लॉस हो गया। 107 पैकेट आलू लगा के उससे एकदम एक भी आलू नेवाइन जिसको बोलते हैं नेवाइन भी नहीं किए। बिहारी महतो अपनी लगन और मेहनत की बदौलत सालाना अच्छी बचत कर लेते हैं। बचत के साथ साथ वे स्थानीय श्रमिकों को भी अपनी खेती बाड़ी से जोड़ते हैं और उन्हें रोजगार प्रदान करते हैं। आलू में मोटा मोटी लगाए हैं 10 लाख, अगर पूंजी लगाए हैं तो 20-25 लाख मिल जाता है। मतलब पूंजी काट के? नहीं, पूंजी काट के नहीं, हाँ सबके साथ हो जाएगा। बिहारी महतो के लिए बाजार बड़ी चुनौती नहीं है। पास ही नगड़ी और बरामबे बाजार है जहाँ वे प्रतिदिन अपने उत्पादों को थोक मूल्य में बेचते हैं। इसके लिए उनके पास अपना वाहन भी है। जैसे कि आज मंगल है तो नगड़ी बाजार है और बरहम्बे, दो जगह बाजार है। तो नगड़ी बाजार में हम मूली बेचे और लौकी बेचे। मूली बेचे 12 रुपया किलो से 13 रुपया किलो थोक में, और लौकी बेचे 6 रुपया किलो से 8 रुपया किलो तक थोक में बेचे। आज लौकी और मूली था, हाँ सब्जी का पैसा से लिए हैं। एक है ओमनी है और ओमनी से अधिक होता है तो फिर ऑटो भाड़ा में लाते हैं और भाड़ा का ऑटो से ले जाते हैं बाजार तक, और ऑटो से ज़्यादा हुआ तो फिर अपना ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से ले जाते हैं, हाँ ट्रैक्टर रखे हुए हैं। ट्रैक्टर नहीं रहने से खेती नहीं हो पाएगा, इतना दूर का खेती है, 50 किलोमीटर नहीं तो कम, 50 नहीं होगा तो 45 किलो तो कन्फर्म है नगड़ी और तोरपा का दूरी है। इतना दूर आके खेती बाड़ी करना है तो साधन तो रहना ही चाहिए। बिहारी महतो और उनके परिवार के अन्य सदस्य खेती बाड़ी से जुड़े हैं। उनके बच्चे अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग 3 भाई हुए, बड़ भाई हम हैं, मंझिल का घनश्याम महतो है, छोटका त्रिपुरारी महतो है। सब हम लोग खेती बाड़ी में लगे हुए रहते हैं। लड़का बच्चा सब अभी पढ़ाई कर रहे हैं कह के वो लोग बहुत कम सहयोग करता है। वो लोग बाजार में घंटा भर या आधा घंटा टाइम दे देता है बहुत बिजी रहने का वजह से, और नहीं तो वो लोग का तो नहीं अभी ज़्यादा सहयोग है। खेत बाड़ी में आके खटने वाला बात नहीं है, नहीं आके खट देते हैं या लेबर उबर नहीं देख देते हैं। वो लोग सब अपना
हाँ अभी कॉलेज में हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। उनके परिवार की महिलाएं भी इस काम से जुड़ी हैं। उनकी पत्नी रुदन देवी खेती बाड़ी के काम से खुश हैं। हालांकि इस काम के लिए उन्हें महीनों घर से बाहर रहना पड़ता है, फिर भी इससे उन्हें काफी खुशी मिलती है, क्योंकि वे अपने साथ साथ कई लोगों को रोजगार उपलब्ध करा पाती हैं। खेती बाड़ी करते हैं, यह सबसे जुड़ कर रहते हैं, बाल बच्चा पढ़ाते हैं, परिवार चलाते हैं, सब दिन यह काम करते हैं, शादी ब्याह इसी से करते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, बिहारी मातों का परिवार है। रुदन देवी का मानना है कि खेती बाड़ी जुआ है, कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है, फिर भी वे इस काम से खुश हैं। और कैसे न होता होता है, कितना आदमी कथी करते हैं, खुश भी लगते हैं, कितना के कमाते करवाते हैं, करते हैं, देते हैं, कह के खुश भी लगता है कि चल इतना आदमी का हम लोग भी पोस रहे हैं। बिहारी महतो की बहन भी उनकी खेती बाड़ी का अहम हिस्सा है, वह भी खेती बाड़ी के काम में पूरी शिद्दत के साथ जुड़ी हुई है। उनका मानना है कि बदलते वक्त के साथ फसल और उत्पादन तकनीकों में बदलाव आया है। हमारे भाई है बिहारी महतो, उनके साथ काम मने करते हैं। हाँ वो सब खेती तो करे चाहिए, लेकिन अब खेती की जगह ने दूसर चीज उपजाते, मकई मने उपजाते, एखन इन्हें अभी मने अलुआ रोप रहे हैं तो देखा थे कितना गोड़ा मड़ुआ उपजाते, अब हमने राज ने खाली मकई भर उपजाते। खेती बाड़ी के काम में कई समस्याएं हैं, खासकर खुले खेत में फसल जानवरों से असुरक्षित रहती है, लेकिन बिहारी महतो जिस क्षेत्र में खेती करते हैं वहां के ग्रामीणों का भी उन्हें सहयोग मिलता है। ये लोग जानवर छोड़ने का ये लोग का एक समय है, अभी जैसे जून महीना आया है, जून से ये लोग अपना गांव में मीटिंग करके डिसाइड कर लिया है कि जून से ले के नवंबर दिसंबर तक बैल को नहीं छोड़ना है, खुला खुला नहीं छोड़ना है। नवंबर दिसंबर के बाद फिर सारा धान जब कट उठ के घर पे घुस जाता है, धान पुआल सब, उसके बाद ये लोग खुला छोड़ देता है बैल को, रात दिन के लिए खुला छोड़ता है। तो उस समय हम ये भी एक ठो वजह है बरसात में खेती लगाने का मेरा। बिहारी महतो मानते हैं कि काम करने के लिए इच्छा शक्ति, लगन और हौसला का होना जरूरी है। वे मानते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उनका कहना है कि किसी भी काम में कई बाधाएं आती हैं, लेकिन अगर व्यक्ति दृढ़ संकल्पित हो तो हर काम आसानी से हो जाता है। साथ ही साथ खुद ब खुद काम करने की जमीन भी तैयार हो जाती है। 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़ ही बरसात के लिए है, और जब उस समय आता है जैसे जनवरी फरवरी, तो उस समय आ जाते हैं 15 एकड़ में, उसको 15 एकड़ में ले लाते हैं, और हाँ देख रेख होता है, और ये जो तोरपा बस्ती में है उसको छोड़ देते हैं और चल जाते हैं अपना घर में, घर जगह का आसपास करते हैं जहाँ पे बैल उल उधर छोड़ने का सिस्टम नहीं है। बिहारी महतो एक स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, उन्हें किसी से कोई ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा नहीं है, वे अपनी मेहनत और आमदनी से संतुष्ट हैं। हमको अगर 80 किलोमीटर भी जाके जमीन का सुविधा, पानी का सुविधा, लेबर का सुविधा मिलता है तो हम वहाँ पे जाके खेती कर लेंगे। 80 किलोमीटर भी दूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीना का खेती है आलू का, 3 महीना के लिए घर छोड़ देंगे, आना जाना अपना पता 15 दिन में करते रहेंगे और खेती निकाल लेंगे। सिर्फ अपना हौसला होना चाहिए कि हमको करना है। खेती किसानी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 20 योजनाएं चला रही है, बहुत सारे किसान इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं, लेकिन कई बार अफसरशाही की वजह से बहुत सारे किसान इन योजनाओं की पेचीदगियों में उलझ जाते हैं। बिहारी महतो ऐसे ही किसानों में से एक हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। हाँ वही होता है, जानकारी नहीं के वजह से, और बहुत ज़्यादा ना ये जो सरकार के आदमी सब हैं, जैसे ब्लॉक में हैं कर्मचारी कहिए, जो ब्लॉक में हैं
और कहीं कहीं हैं। ये लोग ना बहुत दौड़ाने का काम करता है, कोई भी काम को सीधा सीधी नहीं करता है। तो हम ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं दौड़ने का, फेर में रहेंगे तो मेरा खेती तरफ का काम लॉस हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा योजना फोजना का चक्कर में नहीं रहते हैं। हमको हम किसी को ना दौड़ाना चाहते हैं ना हम खुद दौड़ना चाहते हैं, एकदम हम सीधा साधा आदमी हैं। हम अपना अगर हमको किसी को काम कर देना है किसी को, तो उसको हम क्यों दौड़ाएं? या चार दिन उसको कहेंगे कि चार दिन दौड़ो तब हम जाके पाँचवा दिन में करेंगे, वैसा नहीं करना है। तो हाँ भैया ठीक हो, वे खाना खाए के उठा थियो, चल तोर काम के कर दो अथियो, ये नहीं कि आप कल आइए परसों आइए तब आपका काम होगा, वैसा नहीं। उसी तरह से ठीक उसी तरह से वो लोग दौड़ा के करता है कर्मचारी सब कोई भी काम को। आज की तारीख में बिहारी महतो एक सफल किसान है। उनकी सफलता का राज मेहनत और संकल्प तो है ही, उनकी सोच और काम करने का तरीका भी उन्हें इस मुकाम पर ले आया है। परिवार का साथ, अपने कर्म के प्रति निष्ठा और बुलंद हौसले ने उन्हें भीड़ से अलग पहचान दी है। उनके हौसले को देखकर मन खुद ही कह उठता है, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तो पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, काफिला खुद बन जाएगा। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारियाँ हमारे पास और भी रहती है, अगली जानकारी अगले अंक में हम आपको जरूर दिलवाएंगे। तब तक कृषि दर्शन कार्यक्रम कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची पिन संख्या 8340001। तो हमें रहता है आपके खतों का बेसब्री से इंतज़ार, लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। चाहते